Dirac equation and covariant form. As we know, the Dirac equation, iota h cut partial psi divided by partial t, which is equal to this thing. We know about this. Or further, agar aap log dekhe, to ye jo p hai, p ye is tarah hum likh sakte hain ki minus iota h cut and delta. Kyunki ye ek operator hai, to hum isko is tarah likh sakte hain. And the other thing are the same. Second, third step pe minus iota h cut c alpha dot del psi plus beta m naught c square psi. Multiplying this equation, by beta divided by h cut c. Is side ko bhi multiply karna hai, is side ko bhi multiply karna hai. To idhar agar aap log dekhe, to ye h cut ke saath cancel out ho jayega. Ye iske saath cancel, c iske saath cancel out ho jayega. यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा c स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा आयोटा बीटा c पार्शियल साइड डिवाइडेड बाय पार्शियल t, व्हिच इज इक्वल टू माइनस आयोटा बीटा अल्फा डॉट डेल साई प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय h कट m नॉट c एंड साई. एंड अब अगर ये जो दो टर्म है इक्वलिटी के इस साइड पे ले आए, iota beta c partial psi divided by partial t, which is equal to this, और ये पूरा term इधर ले आएंगे तो ये जो term है ये पहले आ जाएगा plus ये term ये हो गया, ये वाला term minus, which is equal to zero, and this is equation number first. देखें del अपने कंपोनेंट्स में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करके देखें तो डेल जो है पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स आई वाई, ये हम लिख सकते हैं एंड थ्री डायमेंशन. तो थ्री डायमेंशन में है तो ये जो डेल है इसको पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स के अगर हम लिख दें, और के का मतलब वन टू थ्री एक्स वाई जी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हम लिख सकते हैं. तो फॉर सिंप्लीफिकेशन डेल को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब ये जो चीजें हैं ये इक्वेशन वन में जो पहला हम लिख चुके थे, इक्वेशन वन में हम पुट कर लेंगे. तो आयोटा बीटा समेशन के इज इक्वल टू वन टू थ्री अल्फा के पार्शियल साई डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स के माइनस बीटा डिवाइडेड बाय आयोटा, उधर प्लस आयोटा बीटा, तो इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ये आयोटा हो जाएगा. सी पार्शियल साई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी माइनस एम नॉट सी एच कट एंड दिस व्हिच इज इक्वल टू जीरो. और यहाँ पे जो बीटा स्क्वायर है ये वन के बराबर है, तो इधर हमने जो बीटा स्क्वायर वन पुट कर दिया. अब हमने कंसिडर करना है कि माइनस आयोटा बीटा अल्फा के, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, ये अल्फा भी एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो भी एक मैट्रिक्स आना चाहिए. तो ये भी एक मैट्रिक्स है. बीटा इसकी जगह अगर हम गेमा फोर पुट कर लें, गेमा नॉट भी कुछ बुक्स में गेमा नॉट पुट किया गया, गेमा फोर डिपेंड करता है आप पे कि क्या चीज पुट करना है. तो वो सारे चीजें इधर पुट कर लें, तो देन माइनस ये जो चीज है हमारे पास समेशन हम कर लेंगे, के इज इक्वल टू वन टू थ्री गेमा के पार्शियल साई डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स के माइनस गेमा फोर वन ओवर आयोटा सी पार्शियल साई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी माइनस एम नॉट सी एच कट एंड साई विच इज इक्वल टू जीरो. अच्छा, क्योंकि हमने इधर इसकी जगह माइनस आयोटा बीटा इसकी जगह के पुट कर दिया, तो ये माइनस हमने पुट कर दिया तो इधर माइनस आना चाहिए, दोबारा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये चीज आ जाएगी. अच्छा, इसके बाद अगर आप लोग गौर करके देख ले तो इसमें ये जो ये स्पेस पार्ट है, यहां से अगर आप लोग देखें ये स्पेस है, ये स्पेस पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये टाइम पार्ट है. तो यहां पे कंसेप्ट आ जाता है स्पेस टाइम का.
स्पेस भी मौजूद है थ्री डायमेंशन में और टाइम भी मौजूद है, तो स्पेस टाइम इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं यूजिंग म्यू इज इक्वल टू वन टू फोर, वन से लेकर फोर तक, ये फोर डायमेंशन में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और गेमा म्यू लिखेंगे पार्शल साई डिवाइडेड बाय पार्शल एक्स के, ये जो पूरा ये जो दो टर्म्स है इसको हम कंबाइनली इधर इस तरह लिख सकते हैं। बाद इसकी वैल्यूज अगर दोबारा लिख दे तो ये चीज वापस आ सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। माइनस एम नॉट सी डिवाइडेड बाय एच कट साई विच इज इक्वल टू जीरो, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस को उस साइड में ले जाए तो समेशन म्यू इज इक्वल टू वन टू फोर गेमा, दिस इज गेमा म्यू, समेशन म्यू इज इक्वल टू वन टू फोर गेमा म्यू पार्शियल साई डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स म्यू प्लस एम नॉट सी एच कट साई इज इक्वल टू जीरो। फ्रॉम आइंस्टाइन प्रोडक्ट कन्वेंशन ये हमें बता देता है कि समेशन अगर एक दफा म्यू इज इक्वल टू वन टू फोर एक्स म्यू वाई म्यू कोई इस तरह, ये दो प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी समेशन में म्यू इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर है और म्यू इज इक्वल टू वन टू, तो इस समेशन की कोई जरूरत नहीं होती, फिर इसको हम एक्स म्यू वाई म्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये भी म्यू है ये भी म्यू है, तो अब इस समेशन की कोई जरूरत नहीं है, तो लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं ये जो टर्म है तो फर्स्ट टर्म अगर मैं कंसिडर कर लूँ ये जो म्यू इज इक्वल टू वन टू फोर है एंड गेमा म्यू है पार्शल साई डिवाइडेड बाय पार्शल एक्स म्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं गेमा म्यू पार्शल साई डिवाइडेड बाय पार्शल एक्स म्यू, इस समेशन को इग्नोर कर सकते हैं। और फर्दर ये जो टर्म है इसको गेमा म्यू और ये जो डिफरेंशिएशन टर्म है इसको पार्शल एक्स म्यू लिख सकते हैं, पार्शल पार्शल म्यू इसको डायरेक्ट हम इस तरह लिख सकते हैं और इधर साई भी आ जाएगा क्योंकि साई ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, मतलब ये जो डिफरेंशियल है पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स म्यू इसको इस अंदाज में लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। अब जाके ये जो चीजें हैं इक्वेशन टू में पुट कर ले, ये जो इक्वेशन टू है इसमें पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन टू इम्प्लाइज गेमा म्यू पार्शियल म्यू प्लस एम नॉट सी डिवाइडेड बाय एच कट साई विच इज इक्वल टू जीरो एंड नेचुरल यूनिट्स, अगर नेचुरल यूनिट्स में इसको रिप्रेजेंट कर ले तो नेचुरल यूनिट्स में एच कट और सी इज इक्वल टू वन के बराबर है, अगर ये है तो फिर ये जो इक्वेशन है गेमा म्यू पार्शियल म्यू प्लस एम नॉट एंड साई विच इज इक्वल टू जीरो और ये है कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन, दिस इज कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन इसको कहते हैं।